इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया हरियाणा का, और इसके अनुसार 1 अक्टूबर को वोटिंग है, 4 अक्टूबर की गिनती। आज वो दिन आ गया है जिस दिन का हरियाणा वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, हरियाणा के चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद, हरियाणा आम हरियाणा वासी के चेहरे पे एक नई किस्म की मुस्कान और चमक आज आप देखेंगे कल से। और ये जो नॉन स्टॉप सरकार कह रहे, बीजेपी नॉन स्टॉप कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये नॉन स्टॉप जो नारा बीजेपी ने किया है, ये नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार, नॉन स्टॉप नशा और फुल स्टॉप विकास की सरकार पे फुल स्टॉप लगाने का आज दिन आ गया है इस बीजेपी की सरकार पे। लोग फुल स्टॉप लगाएंगे इस सरकार पे। लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस सरकार ने हरियाणा का बहुत नुकसान किया है। देश में विकास के प्रतीक हरियाणा को दुर्दशा में का प्रतीक बना दिया, स्वागत करते हैं आप, बदहाली का प्रतीक बना दिया गया। और इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन की घोषणा का भी स्वागत करते हैं, हरियाणा की जनता भी स्वागत करती है। हम तो जो है हरियाणा की जनता इलेक्शन का इतनी बेसब्री से इंतजार सरकार द्वारा हरियाणा जनती। और इससे ये भी पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी। हाँ जी, तो आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि इलेक्शन समय पे होंगे, इलेक्शन तो नवंबर में होंगे। तो या तो उनको उनसे पूछा नहीं जा रहा, तो यानी कि उनसे कोई सलाह मशवरा ही नहीं लिया जा रहा। तो जब केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार के जो संस्था है जो अपना, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।